और अबे पर मैं क्यों हमारे वहां जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाए और पुलिस ने भी वीडियो बनाए। आप मुकदमे दर्ज कर रहे हो कि वहां पत्थरबाजी हुई, तो जिसने पत्थरबाजी हुई है उसका वीडियो दिखा दो। तो पत्थरबाजी हुई कौन, तो वीडियो दिखाओ। बट फिर कहा कि हमारे जेड प्लस की सुरक्षा का घेरा तोड़ा, इन सबको तो आर एसी ने बाहर रोक दिया, वो जेड प्लस वाले के पास तो गए ही नहीं, जेड प्लस वालों के पास नजदीक ही नहीं गए, आर एसी धीर आर एसी वालों रोक दिया। तो मैंने कहा वो भी वीडियो दिखा दो कि किसी के पुलिस के वालों के हाथ लगे हो, हाथ लगाया हो, उनको धक्के दिए हो, उनको पीटा हो, या वो सुरक्षा वाले खड़े थे उनको धक्का दे के अंदर घुस गए हो, जो भी थे वो अनुशासित लोग थे। अब आप दबाव में काम कर, मेरी 35 साल की राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे, या तो कहीं आंदोलन नहीं करे। मैंने 15-15 दिन जोधपुर को बंद कराया था, 15-15 दिन जोधपुर कभी बम्बा बोला बंद नहीं होता था, मैंने कराया, लोकतंत्र को दबाने का काम किया और आपने दबाव में आकर के मुकदमा किया। 11 बजे इन्होंने धरपकड़ करी, 11 बजे रात को। तो मैंने उनको पूछा भाई आप रात को धरपकड़ कर रहे हो, महिला पुलिस साथ में नहीं है आपके, और घर खटखटा के अंदर घुस रहे हो, महिलाओं को धक्के मार रहे हो, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हो, महिला पुलिस आपके साथ नहीं, और जिन जिनके घरों में घुसे आपने उनको मुलजिम माना कैसे? तो कैसा हमको तो नाम आए ऊपर से, इनको लाना है पकड़ के, ऊपर से नाम आए हैं इनको पकड़ के लाना है। अब जो ऊपर से नाम आए उनके पास पहुंच गया, ये तो ट्रक पे गया हुआ, यहाँ है ही नहीं मौके पे है, आप उनको मुलजिम मान लिया, पकड़ने आगे पास सिंह को, मेरे को वीडियो दिखा दो उसका कि वो मौके पे था।